हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स ट्रिक में सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में हमारा शॉर्ट ट्रिक्स। जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन हो, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और ये जा रहा है आपका 1/(n-1)×n, मतलब जब हर में या डिनोमिनेटर में इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो और इस टाइप के क्वेश्चंस हो भिन्न वाले, तो हम इनके लिए क्या सॉल्व, इसके लिए हम कैसा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको सिंपली इसमें जस्ट सिंपली क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेना है, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1 और माइनस 1/ लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म है यहाँ पे एन। तो अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 1/(1)×2 प्लस 1/2×3 और ये है लास्ट में 1/9×10। तो मैंने बताया यहाँ पे जब डिफरेंस आपका 1 का हो तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपली फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट टर्म। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो एलसीएम हो गया आपका 10, तो 10-1 ये आंसर होगा आपका 9/10। अब दूसरा क्वेश्चन है सेम, ये भी वैसे ही है, 1/44 है, यहाँ 56 है, 72 है और 110। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6×7, सेम वैसा ही हो गया 1×10, यहाँ पे डिफरेंस होगा 7×8, दोनों में सबका वही 1 का डिफरेंस है, ये हो जाएगा 10×11। अब जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट टर्म 1/6 माइनस लास्ट टर्म इंटू माइनस 1/11, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 66, 11-6 आंसर इज 5/6। तो आपको ध्यान रखना है जस्ट वन फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, जब भी डिफरेंस इस टाइप के क्वेश्चन हो और डिफरेंस आपका 1 का हो।